What does the graph say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty analysis from tradingfab.in. आज 27 जुलाई 2020 मंडे है, सुबह के 8:49 हो रहे हैं। मंडे है, हफ्ते का पहला ट्रेडिंग सेशन है। लास्ट वीक हमने देखा था निफ्टी में जो तेजी थी कई 3-4 वीक से, वो कंटिन्यू होते हुए नजर आ रही है। लेकिन कहाँ पर रेजिस्टेंस है, कहाँ पर सपोर्ट है, इसको आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद इंट्राडे लेवल्स भी क्या हो सकती है आज के लिए वो देखेंगे। सबसे पहले फ्राइडे के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं। ये एक पिक्चर है फ्राइडे का, यानी 24 जुलाई आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है। फ्राइडे का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर यहाँ आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो फ्राइडे के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 11,131। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, शुरू में निफ्टी इंडेक्स ओपन हुआ एग्जैक्ट ये फर्स्ट स्टार, ये यहाँ पर ब्रेकडाउन लेवल के पास ये सपोर्ट टेस्ट कर रहा था। ये 5 मिनट का चार्ट है निफ्टी। इसके बाद जैसे ही इसने ब्रेकडाउन लेवल को ब्रेक किया, नीचे फर्स्ट टारगेट 11,112 ये अचीव हुआ, और एग्जैक्ट सेकेंड टारगेट था ये भी ऑलमोस्ट अचीव हुआ था 11,090 के पास। इसने सपोर्ट इसी लेवल के आसपास सपोर्ट लिया और बाउंस बैक हुआ। तो फ्राइडे के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 12 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था, और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 9,000 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो ये था फ्राइडे के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं। फ्राइडे को यूएस मार्केट देखे तो वहां पर जबरदस्त कमजोरी देखने को मिली थी। कोरोना वायरस के केसेस वहां पर भी लगातार बढ़ रहे, और यूएस और चाइना के बीच में एक डिप्लोमेटिक टेंशन चल रही है। तो उसके मद्देनजर नासडैक 98 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ। यूरोपीय मार्केट्स भी देखे तो लाल निशान में बंद हुए थे। लेकिन एशियाई बाजार जब आज खुले तो एसजीएक्स निफ्टी 39 पॉइंट की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा। हालांकि जापानीज इंडेक्स 120.2 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है। डाउ फ्यूचर देखे तो अच्छी सी बढ़त यहाँ पर इस समय दिखा रहा है, और 150 पॉइंट की बढ़त के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर। ग्लोबल मार्केट्स अभी हल्के से पॉजिटिव संकेत दे रहे हैं। वीकली चार्ट से शुरू करेंगे। निफ्टी का ये वीकली चार्ट है। लास्ट कई सारे वीक से हमने यहाँ पर ये जो स्विंग हाई लो है इसको पकड़ के फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को ड्रॉ किया था। अभी इसका 100% का लेवल एग्जैक्ट यहाँ पर अचीव हो चुका है। अगर यहाँ से ये ऊपर इस लेवल के 11,200 के लेवल के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो यहाँ से हमें ऊपर की तरफ 11,600-11,700 के लेवल्स यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। इस लेवल के पास निफ्टी ने पास्ट में सपोर्ट टेस्ट किया अराउंड 11,600 के लेवल के पास। तो 200 लेवल के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो 11,600 फर्स्ट हमारा रेजिस्टेंस का लेवल होगा। अगर यहाँ से हो सकता है यहाँ से एक करेक्शन आए तो नीचे ये जो 10,600-10,700 के आसपास ये 100 EMA और 50 EMA है वीकली चार्ट में, लॉन्ग टाइम फ्रेम के चार्ट में, तो यहाँ पर 10,700 के पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो ये वीकली चार्ट का सीनारी हो गया। चलते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे ये जो डेली चार्ट का स्विंग हाई लो पकड़ के हमने फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को ड्रॉ किया था, उसके मुताबिक 100 का ये जो लेवल है अराउंड 11,250 के पास आ रहा है। तो यहाँ पर ये निफ्टी इंडेक्स रेजिस्टेंस फेस कर रहा है लास्ट 3 दिनों से। हालांकि लास्ट 3 दिनों से अगर देखे तो ये जो बियरिश कैंडलस्टिक है इसका हाई और लो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है, तो इनसाइड बार ट्रेडिंग यहाँ पर चल रहा है। तो इस बियरिश कैंडलस्टिक का हाई और लो अभी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन का काम यहाँ पर कर सकता है। लगातार 11,100 के पास 3 दिन से ये सपोर्ट टेस्ट कर रहा है, तो और नीचे RSI भी देखे तो 70 के अबाउ ये ट्रेड कर रहा है, यानी ओवरबॉट जोन में है। तो हो सकता है अगर ये नीचे का लेवल अगर ब्रेक होता है तो निफ्टी इंडेक्स यहाँ से हमें करेक्शन दिखा सकते हैं। हालांकि डेली चार्ट का अगर स्ट्रक्चर देखे तो अभी ये अपसाइड मूव का स्ट्रक्चर यहाँ पर बन रहा है, अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर बन रहा है। शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म तीनों मूविंग एवरेजेस असेंडिंग ऑर्डर्स में, और उसके ऊपर निफ्टी इंडेक्स ट्रेड कर रहा है, ये पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन जैसे कि हमने तेजी देखी है लास्ट, अगर आप ये देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6 वीक से लगातार ये हायर हाइज बना रहा है, कोई भी यहाँ पर एक भी वीकली चार्ट में बियरिश कैंडलस्टिक नहीं बनी है, तो जाहिर सी बात है इतनी तेजी के बाद एक करेक्शन भी आना लाजमी होता है। तो अगर ये जो रेजिस्टेंस का लेवल आप देख रहे हैं 11,200-11,250 का रेंज में एक रेजिस्टेंस है, वहां पर अगर ये
हर्डल फेस करता है तो नीचे निफ्टी इंडेक्स 10,600 10,700 एज पर वीकली चार्ट यहाँ पर एक सपोर्ट ये टेस्ट कर सकता है, तो फिर ये स्विंग लो बना के फिर से ऐसे बाउंस बैक हो सकता है। तो अभी फिलहाल निफ्टी इंडेक्स एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, लास्ट दो दिनों से इनसाइड बार ट्रेडिंग चल रही है, बियरिश कैंडल का हाई और लो हमारे लिए ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन साबित हो सकता है। तो यह था डेली चार्ट का सिनेरियो। चलते 60 मिनट के चार्ट में, 60 मिनट के चार्ट को अगर आप आरएसआई के साथ कंपेयर करें तो यहाँ पर एक डाइवर्जन क्लियर निगेटिव डाइवर्जन दिखाई दे रहे। आरएसआई को देख सकते हैं आप, लास्ट ये तीन दिनों से लोअर हाइज बना रहा है, यहाँ से ये लोअर हाइज बना रहा है और अगर ऊपर प्राइस एक्शन को देखें तो यहाँ पर ये सिमिलर हाइज बना रहा है, ठीक है, एक ही रेंज में ये ट्रेड हो रहा है। लेकिन आरएसआई को देखें तो ये यहाँ पर लोअर हाइज बना रहा है जो कि हमें बायर्स और सेलर्स का स्ट्रेंथ दिखाता है। तो चांसेस हो सकते हैं ऊपर ये फिर से, अगर ये इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाता इस लेवल के ऊपर 11,250 के ऊपर, तो यहाँ से ये रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे आके ये जो यहाँ पर दो बार इसने सपोर्ट टेस्ट किया है ये हो सकता है ब्रेक हो, ये डाइवर्जन दिखा रहे, ऐसा ही होगा ये कहा नहीं जा सकता, ये जस्ट एक सिम्टम्स है, सिग्नल है। तो यहाँ पर देखना होगा ऊपर ये 11,250 के ऊपर सस्टेन कर पाता है या नहीं, क्योंकि नीचे बुल्स का स्ट्रेंथ कम होते हुए हमें नजर आ रहा है। तो आज के लिए इंट्राडे लेवल्स, ये जो हमारा फ्राइडे का ब्रेकआउट लेवल था वही हमारा आज के लिए ब्रेकआउट लेवल साबित हो सकता है, यानी आर वन का लेवल जो कि 11,249 है, तो इसे राउंड फिगर करते 11,250 के ऊपर अगर ये सस्टेन होता है तो ये इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं। और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,271, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 11,292, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर नीचे की तरफ आता है तो ये जो यहाँ पर सपोर्ट का एक लेवल बन रहा है 11,090 को अगर ये ब्रेक करता है तो ये इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,070, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा ये ब्लू लाइन जो कि 50 एमए का लाइन है 100 आर्ली चार्ट में, जो कि अराउंड 11,044 के पास आ रहा है, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग। ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यहाँ अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ये वेब पेज ओपन होगा तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने हैं तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट आईडी है वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म करना है ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सकें। तो ये एक छोटा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में।